बरसाते में कहां बारिश होनी थी मोहब्बतों की, लेकिन बरसातें हो रही है नफरतों की। क्योंकि रेयांश की ये नफरतें देखकर ना आराधना तो टूट सी गई है, और ऊपर से अब तो सिर्फ 6 दिन ही बाकी हैं रेयांश और किमाया की शादी को। भाई हमने जब कह दिया है कि कोई भी ये प्यार की बरसाते बरसाते अब नहीं होने वाली है, फिर मेकर्स आराधना और रेयांश के इमोशनल सीन पर बरसाते क्यों करवा रही हैं? अब भी इन बरसातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेयांश अपनी नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि वो आराधना के रोकने पे नहीं रुकेगा। इधर बरसात में आराधना रेयांश को अपना प्यार याद दिला रही है, अब बरसातों का कोई मायना नहीं है। अब बात करते हैं गजल नाइट की। हिक्की माया और रेयांश की शादी को केवल 6 दिन बचे हैं। आज है गजल नाइट, जहां पर रेयांश की माँ कादंबरी गाना गाने वाली है, साथ में गजल भी। अब ये थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन कुछ जम नहीं रहा है। कादंबरी देवी कभी फिल्म का गाना भी गाती है तो कभी गजल भी, और गजल पर क्या कभी कपल डांस होता है? नहीं ना, लेकिन यहाँ पर हुआ, और इसका अनाउंसमेंट किसी और ने नहीं बल्कि रेयांश ने ही किया। और मॉम की इस गजल में सारे प्यार करने वाले डांस करेंगे। और जो कपल जीतेगा उस कपल को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आराधना चुपचाप खड़ी है, सब समझ रही है। वैसे आपको बता दें कि इस गजल नाइट में बेस्ट कपल का अवार्ड वीरेन और मालिनी को मिला है। हालांकि जो अनाउंस कर रहा है उसने नाम गलत ले लिया था, लेकिन आराधना ने आकर नाम सुधार दिया है। एक्चुअली व्यूअर्स को भी पता है, एंड रेयांश का कैरेक्टर ही वैसा है, मतलब वो है ही वैसा, शुरू से टॉक्सिक ही दिखाया है। उसकी जिम्मेदार भी उसकी माँ ही है, तो अब 30 साल बाद जब उसे पता चलता है तो वो रिवेंज मोड में आ गया है, तो शायद उसकी माँ भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि गलती भी उसकी ही थी, तो इसलिए वो सब झेल रही है। अब बदले की ये कहानी न जाने कहाँ कहाँ किस किस को ले जाएगी। शादी तक तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा आराधना और रेयांश के बारे में, लेकिन शादी के मंडप में क्या आराधना कोई झोल करेगी या फिर चुपचाप से अपने प्यार को किसी और का होने दे देगी? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।